प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 23 अक्टूबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका हिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर आ चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपका हिस्ट्री का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसका सब्जेक्टिव प्रश्न, और उसके साथ साथ लाइव ये भी सीख लेंगे कि इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सेम टू सेम यही प्रश्न पत्र कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न पत्र को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका आर्ट्स स्ट्रीम में जो भी छात्र हिस्ट्री लिए होंगे इसका विषय कोड 321 रहने जा रहा है। फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होगा और उसके साथ साथ आपका 30 मिनट का समय दिया जाएगा। यह बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों का जो हिस्ट्री रखे होंगे। यहाँ पर देखिए, खंड अ में सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी में आपका, खंड ब में जो आपका रहेंगे जिसमें सब्जेक्टिव उतरता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, लेकिन मैं अभी की इस वीडियो में पूरा 30 का उत्तर बताऊंगा। तो आप एक एक प्रश्न को नोट डाउन कर रख सकते हैं, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ तो मैं आगे डाउनलोड करना सिखाऊंगा। अभी आगे एक नंबर दिया जाएगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे व्हाट्सअप करेंगे तैसे मैं आपके नंबर पर इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो चलिए आइए हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्न की ओर चलते हैं, किस रूप में आपका प्रश्न है उसके साथ साथ इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, पहला नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या करा है, हजारी सना की शुरुआत कब हुई थी, तो एक नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे 622 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या करा है, पैगम्बर मोहम्मद किस काबिल के संबंधित थे, तो दो नंबर प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से कोई नहीं है, इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तीन नंबर प्रश्न क्या करा है, अरबों में जेरूसलम की कब जीता, तो अरबों ने जेरूसलम जीता था 638 ईस्वी में, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। पैगंबर मोहम्मद की किस प्रचार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, पैगंबर मोहम्मद ने, बिल्कुल सही। चार नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी अर्थात कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह काफिर का आविष्कार किया, किसका, तो काफिर ना ईसाइयों का, ईसाई पैगंबर मोहम्मद ने किसका प्रचार किया था, ईसाइयों का, तो इसमें नहीं है, तो इसका उत्तर आपका गलत हो जाएंगे और खारती इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है, तो देखिए गैर मुसलमानों का आपका काफिर कहा जाता है, लेकिन काफिर ए बी सी डी इनमें से कोई नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न संख्या यहां पर देखिए 6 नंबर प्रश्न, कुरान का रचना किस भाषा में की गई है, कुरान का रचना किस भाषा में की गई है, अरबी में की गई है सर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रथम धर्मयुद्ध कब हुआ था, तो प्रथम धर्मयुद्ध हुआ था आपका यहां पर 1098 से 1099 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, मंगोल कौन थे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, मंगोल कौन थे, तो बिल्कुल सही नोट करेंगे 11 प्रश्न का, पश्चिमी एशिया के जनजाति थे। अगला, मार्को पोलो कौन थे, तो मार्को पोलो एक यात्री थे ना, तो ये कहाँ के थे, तो बिल्कुल सही नोट करेंगे, मार्को पोलो एक पुर्तगाली। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, चलिए ऑप्शन ए हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न का, मंगोल कौन थे, तो मंगोल एक मध्य एशिया जनजाति थे और मार्को पोलो के थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन ए, इटली के यात्री थे। यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मंगोल के सबसे प्रिय पशु क्या था, तो मंगोल के सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चीन में महान दरबार का निर्माण क्या हुआ, तो इसका 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए अर्थात की सुरक्षा के लिए चीन में महान दरबार का निर्माण किया गया था। देखिए इसका पेपर लेने के लिए आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें जैसे व्हाट्सएप करेंगे तैसे मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए 11, 12 नंबर प्रश्न, और इसी प्रकार से मेरे पास अगर आप म्यूजिक रखे हैं, होम साइंस रखे हैं, तो उसका भी पेपर आ चुका है, तो मैं जल्दी से इसका पेपर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर
रखेंगे ताकि आपके जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। 12वां प्रश्न है कि मोगोल किस प्रिय के लिए और कुमिस के पशु का दूध से बनता है। तो 12वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, क्या हो जाएंगे तो ऑप्शन सी अर्थात कि घोड़ी के दूध से बनता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ये 13वां प्रश्न आपके सामने है। 13वां प्रश्न क्या कराए, मोगोल के चीन में क्या आयात करते थे। तो मोगोल चीन से कच्चे तेल का आयात करते थे। 13वां प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे। यम्मा क्या था, तो देखिए यम्मा एक धार्मिक ग्रंथ था जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कृतलाई क्या था, तो कृतलाई क्या था, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, एक मंगोल का सत्कारी एक सभा था ना, तो इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 16वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न क्या कहे, यास क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, यास एक नियम साहित्य था, कोड ऑफ रूल था उसका, यास रोल था एक का कोड बना गया था यस। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, तम्मा क्या था, तो तम्मा क्या था, तो तम्मा देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर इसका सी होना चाहिए, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा, इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न क्या है, चंगेज खान का बचपन का नाम, तो चंगेज खान का बचपन का नाम अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको याद होगा तेमुजिन था, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला 20वां प्रश्न की ओर चलते हैं। चंगेज खान ने सेना को किस आधार पर संगठित किया था, तो 19वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएंगे, दशमलव इकाइयों पर ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे। चलिए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं जैसे ही आप अगर इस वीडियो एंड होता है आप अपना इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करते हैं तैसे आपको PDF को इसका मिल जाएगा। बस आपको शर्त क्या है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना अधिक मात्रा में इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना अधिक मात्रा में इसका लिए सब्जेक्टिव का उत्तर, उसके साथ साथ मेरे पास होम साइंस का भी पेपर आ चुका है तो उसका भी पेपर मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जैसा कि आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए चंगेज खान के सबसे जेठ पुत्र का क्या नाम था, ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर हम नोट करेंगे आप सभी। 20वां प्रश्न का जोची था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चंगेज खान के किस पुत्र ने अपनी राजधानी काकरोम के प्रतिष्ठित की थी, तो कौन सा पुत्र था, यह इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही। आप अगर बुक पढ़े इसका जोची टिक करेंगे नहीं तो मूल्य, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी टिक करना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासन ने सुनहार का गिरोह को गठन एवं रूस के स्टेपियो के लिए किस राजा किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे 22वां प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की जोची। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चीन के जुआओ वंश की स्थापना किसने की थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी प्यारे छात्र, और उसके साथ साथ इसी प्रकार से मैं आपको हर एक मंथ एग्जाम में आपको हेल्प करता रहूंगा, आपका फाइनल एग्जाम में भी आपको इस चैनल पर ओरिजिनल पेपर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर रख लीजिएगा। 23वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे जल्दी से, ऑप्शन सी अर्थात की कुबाई खान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 24 क्या करा है, कुबाई खान के दरबार में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो आए थे, ऑप्शन ए इसका नोट करेंगे। पहला इलाखानी शासक कौन था जिसने मुसलमानों को स्वीकार किया था, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 24-25वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, कुबाई खान था, ऑप्शन बी। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे सभी छात्र, और उसके साथ साथ सभी पेपर आपको सब्जेक्टिव का भी जल्दी मैं अपलोड कर देने जा रहा हूँ जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न का मैं पूरे प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे, आपको किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, और उसके साथ साथ इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए जो कि आपके साथ कल एग्जाम देने जाएंगे 23 अक्टूबर के दिन। बिल्कुल सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे 23 अक्टूबर का, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र है, और यही पेपर से हर एक स्कूल में आपका एग्जाम है, क्योंकि आप पहले से जानते हैं मैं इस चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर अपलोड करता हूँ वो पूरा का पूरा पेपर मैच कर जाता है, तो इसी प्रकार से मैं आपको हर एक एग्जाम में आपको इसी प्रकार से हेल्प करता रहूँ। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब आपको यहाँ पर ओरिजिनल पेपर आपको मिल जा है, उसी प्रकार से आपको PDF भी मिलेगा, सब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग जल्दी से अगला 27वां प्रश्न क्या कहें, बाबर किस राजवंश का था, तो बाबर आपका बिल्कुल सही नोट करेंगे, तैमूर और चेंज खान दोनों के थे, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे,
1258 में है तो इसका उत्तर, हाँ 1258 में मोगल में किस शहर में लुप्त की, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 28वां प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल सही नोट करेंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे 28वां प्रश्न का उत्तर अर्थात कि बुखार। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर 29वां प्रश्न की ओर आते हैं। 29वां प्रश्न क्या है, चंगेज खान का मृत्यु कब हुआ था, तो चंगेज खान का मृत्यु हुआ था आपको 1258 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, किस देश में चंगेज खान का महान राष्ट्रीय रूस के लिए किस देश में मिली थी, तो राष्ट्रीय आयक लाय के लिए उसके रूप में मान्यता मिली थी, तो इसको मिली थी चीन में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। इसी प्रकार से देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आपका स्टार्ट होता है, तो सब्जेक्टिव प्रश्न का भी हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, बस कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मेरे के पास शेयर कर देंगे, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, यही प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो बिल्कुल कल के में आपका सेम टू सेम प्रश्न पत्र रहेंगे। इसका पेपर डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, वहां का भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको एक नंबर दे दिया गया था, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे व्हाट्सएप करेंगे वैसे मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो जल्दी से आपको इसका नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर मैं जैसे व्हाट्सएप कर देंगे तैसे मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए इतना कार्य जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैं जल्दी से इसका सब्जेक्टिव उत्तर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।